पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश और तेजस्वी की 8 महीने के बाद हुई मुलाकात ने 3 महीने का रूट प्लान तय कर लिया। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से देश की राजनीति को प्रभावित किया है और हलचल मचा दिया है, उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं और पिछले 12 घंटे से लगातार ये चर्चा हो रही है कि आखिर बिहार और देश की राजनीति में होने वाला क्या है। क्या लालू प्रसाद ने पिच तैयार कर दिया है जिस पर धुआंधार बैटिंग करने के लिए कप्तान और उप कप्तान के रूप में नीतीश और तेजस्वी तैयार हैं? क्या इसके असर पटना से दिल्ली तक सियासी उलटफेर में होंगे? इन सभी सवालों का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है, लेकिन इन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले आपको इस बात की तरफ ध्यान देना होगा कि वर्तमान परिस्थिति में क्या कुछ होने वाला है। हमने आपको शुरू में ही बताया कि 8 महीने बाद तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और इस मुलाकात में 3 महीने का रूट प्लान तैयार हो जाता है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 ऐसे महीने हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव में व्यस्त होगी और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कोई बड़ा भीतर ही भीतर खेल कर देंगे। आपको बता दें कि ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि क्या बिहार में एक बार फिर से सरकार पलटेगी, क्या एक बार फिर से चाचा भतीजा साथ आएंगे या फिर चाचा दिल्ली और भतीजा बिहार संभालेंगे। इन सभी संभावनाओं को लेकर के हम लगातार आपको कई महीनों से खबरें कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं जिस तरह की हलचल राजनीतिक गलियारे में हुई है। और हमने आपको ये भी बताया कि लगातार बहुत सारे नेताओं से हमारी मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात में बहुत सारी ऐसी बातें भी हो रही है, खुल करके सामने आ रही है, जिससे कि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल होने वाला है। हम चलिए मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सामान्य मुलाकात थी, लेकिन इस मुलाकात को जिस समय के लिए चुना गया है और जिस तरह से चुना गया है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है, उसके टाइमिंग पर ये कहीं ना कहीं समझ में आ रहा कि कोई ना कोई राजनीतिक घटनाक्रम बदलने वाला है और कोई ना कोई खेल तो ज़रूर हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात, और ये मुलाकात अगर मान लेते हैं कि सचिवालय में पहले से तय था तो इसकी सूचना और इसकी जानकारी तो ज़रूर हुई होगी, लेकिन इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई। और इस मुलाकात के दौरान नीतीश कुमार के साथ साथ, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि विजय चौधरी भी मौजूद थे, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में इनके अलावे भी मुलाकात हुई है 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आरक्षण को, और इसके साथ साथ सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के बात कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने रखी है। लेकिन इन सब के बाद आपको ये लगता है कि 8 महीने की इस मुलाकात में सिर्फ इस 2 मुद्दे पर बात हुई होगी? वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से हमने आपको आकलन करके बताया, हमने आपको कई तर्क और तथ्य सामने रखे हैं जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डर एक तरफ जहाँ चिराग को हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इस डर का सामना भारतीय जनता पार्टी के कारण नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। वहीं आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरह से नज़दीकियां बढ़ रही हैं और जिस तरह से कुर्बानी दी गई है केसी त्यागी की नीतीश कुमार के द्वारा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि अभी वो वक्त नहीं आया है। सही वक्त का इंतजार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों कर रहे हैं। इन दोनों की मुलाकात इस बात की तरफ इशारा कर रही है, हम बार बार आपको स्ट्राइक करके बता रहे हैं, बार बार हम उस जगह पर ला करके खड़ा कर रहे हैं कि ये प्लान निश्चित रूप से भीतर ही भीतर तैयार हो गया है। और जैसे ही आप देखिएगा कि लोकसभा का सत्र आहूत होगा, उससे पहले एक बड़ा हंगामा होगा और 24 घंटे के अंदर में सारा खेल समाप्त कर दिया जाएगा। जिस तरह की परिस्थितियां हैं उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अमित शाह काम कर रहे थे उस काम से भी लोगों को नाराज़गी है। हालांकि पटना से दिल्ली तक और दिल्ली से नागपुर तक की हमने बात कही है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो भी संगठन है वो सभी इस बात को लेकर के परेशान हैं कि आखिर होने वाला क्या है, नीतीश कुमार कोई बड़ी राजनीति और रणनीति का हिस्सा तो नहीं है। इस बात को लेकर भी हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार को लेकर के इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से पॉजिटिव है और नीतीश कुमार के हाथ में एक बड़ा, कहा जा रहा है कि पावर दे करके और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा करने की तैयारी चल रही है भीतर ही भीतर। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार कप्तान और उप कप्तान की भूमिका में तेजस्वी यादव होंगे और पटना से दिल्ली तक बड़े सियासी उलटफेर की संभावना व्यक्त की जा रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।